हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि जानलेवा है और बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, ई कोलाई मस्टाइटिस की पहचान कैसे करेंगे, उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और उसका बेहतर से बेहतर इलाज किस तरह से कर सकते हैं फील्ड कंडीशन में। इस बात की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से आज डिटेल में करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ई कोलाई मस्टाइटिस जो होता है वो जानलेवा होता है और ये बीमारी अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट करता है। तो अगर बीमारी के बारे में आपको जानना है तो पहले आपको बीमारी करने वाले के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए ताकि वो क्या करेगा, फिर आप उसको टारगेट करके इलाज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये रहता कहाँ है। तो ई कोलाई जो मस्टाइटिस होता है ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा, वो जनरली अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होता है और ये कंटेजियस बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि एक गाय से दूसरे गाय में या एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट नहीं होता है। इसे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया कहते हैं और ये नॉर्मली जो कैटल या बफलोज हैं उनके जीआई ट्रैक्ट में रहता है, उनके इंटेस्टाइन में नॉर्मल रिसाइड करता है, लेकिन गोबर में वो पड़ा रहता है। यानी कि किसी भी तरह से गोबर से वो असेस कर जाता है टीट कनाल के अंदर, अडर के अंदर, तो फिर वो माइल्ड से लेकर के सीवियर प्रॉब्लम करता है जिसे कोलाइफॉर्म मस्टाइटिस कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कोलाइफॉर्म मस्टाइटिस कितना क्रिटिकल सिचुएशन है फील्ड कंडीशन में मैनेज कर पाना। सच पूछिए तो ई कोलाई अपने आप में बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होता है, इसकी सीवियरिटी बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जो इस एनिमल के अंदर ये एंट्री करता है उसकी इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि फील्ड में इस ई कोलाई मस्टाइटिस के ही डिफरेंट फॉर्म आते हैं। मान लीजिए कि एक गाय है और वो मिड लैक्टेशन में है, तो उसमें अगर ई कोलाई का एसेस हो गया, उसके अडर में ई कोलाई बैक्टीरिया घुस गया है, तो जो मस्टाइटिस करेगा उसमें 80% से ज़्यादा चांस रहता है उसकी रिकवरी होने का। लेकिन वही गाय अगर रिसेंट पार्चुरेशन हुआ है, उसकी काबिंग कुछ ही दिनों पहले हुई है, 2-4-10 दिन पहले हुई है, उसमें अगर ई कोलाई मस्टाइटिस होता है तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये बीमारी करता है और थन का बहुत बड़ा डैमेज होता है, जिसके चलते इसमें अगर आप ट्रीट भी करेंगे तो 20% से ज़्यादा आपको सक्सेस रेट नहीं मिलता है जब पर एक्यूट कोलाइफॉर्म मस्टाइटिस होता है। तो किस स्टेज का एनिमल है, उसका इम्यून सिस्टम कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। और एक बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों को जान जाना चाहिए, ये जो बैक्टीरिया है ये कहीं टिश्यू में मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये जब अडर में एसेस कर जाता है तो अडर में जो मिल्क सिंथेसाइजिंग ग्लैंड्स होते हैं उनमें घुसने के बाद ये जब एक बार असेस करता है तो एकाएक एक्सप्लोजन जैसा मल्टीप्लाई करता है, ऐसा लगता है जैसे कि ब्लास्ट हुआ हो, बारूद हो, तो इतने तेजी के साथ ये मल्टीप्लाई करता है। उसके मल्टीप्लाई करने के दौरान इसके सेल वाल रिलीज होते हैं और सेल वाल में एलपीएस होता है, तो जो सिम्टम्स आते हैं सारे के सारे वो एलपीएस मेडिएटेड होते हैं, ना कि इस बैक्टीरिया के द्वारा डैमेज किए जाते हैं। जब एलपीएस रिलीज होगा तो वहाँ पे बॉडी सिस्टम जो है इन्फ्लामेशन को सीवियरली, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स जो है उनकी एंट्री बढ़ जाती है और फिर वो इन्फ्लामेटरी सेल्स जो अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं या वास्कुलर डैमेज करते हैं उसके चलते क्लिनिकल सिम्टम्स आता है। इसमें फर्दर अगर सीवियरिटी बढ़ती है तो सिर्फ वो जो इंडोटॉक्सिन्स हैं वो सिर्फ अडर तक ही स्टेबल नहीं रहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि एक टीट में मल्टीप्लाई किया, अडर में मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ मिल्क में मल्टीप्लाई कर रहा है, ब्लास्ट हुआ और एक्सप्लोजन के बाद वहाँ इतने सारा एलपीएस रिलीज हुआ जो सिस्टेमिकली ऑब्जर्व हो जाता है, और जब सिस्टेमिकली ऑब्जर्व हो जाता है टॉक्सिन जिसे एलपीएस कहते हैं, तो फिर वो सिस्टेमिक साइंस लाता है जिसमें आपको अगर मस्टाइटिस के साथ साथ पायरेक्सिया मिलता है, 104-105 टेम्परेचर मिलता है इनिशियल स्टेज में। उसके बाद आप देखेंगे कि एनिमल जो खाना पीना छोड़ देता है, एकदम डल हो जाता है, उसकी सिस्टेमिक सीवियरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और इंडोटॉक्सिमिया के फेज 2 में अगर चला गया है तो वहाँ पे
टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल हो जाता है, डायरिया हो जाता है, एनिमल एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में चला जाता है और जस्ट लाइक ए मिल्क फीवर सिम्टम देने लगता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर भी डाउन रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब स्टेज टू में चला जाता है तो एनिमल जो है बिल्कुल क्रिटिकल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। तो लोकल अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो है वो मिल्क में मल्टीप्लाई करेगा और टिश्यू में मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो जब मल्टीप्लाई करता है तो इंटेंस इन्फ्लामेशन होता है। इंटेंस जब इन्फ्लामेशन होगा तो पूरा का पूरा जो क्वार्टर है जिसमें बैक्टीरिया घुसा रहता है वो बिल्कुल शुरुआत में लाल रहता है, एकदम लाल कलर का एरिथेमेटस रहता है और उसको आप छुएंगे भी तो हॉट रहता है और एनिमल जो है उसे टच नहीं करने देता है। तो ये इनिशियल साइन है। एक चीज और, आपको अगर इकोलाई मस्टाइटिस सस्पेक्ट करना है तो आप लोग जानते हैं जो टीट होता है वो फनेल जैसा होता है, यानी कि ऊपर जो होगा वो चौड़ा होगा और नीचे की तरफ टीट जो है पतला होता है। तो जनरली आप देखेंगे तो इन्फ्लामेशन इसमें जो होता है फनेल का जो कैप है वहां पे, यानी कि जहां से अडर और टीट लगा रहता है वहां पे स्वेलिंग पहले आती है और फिर पूरा का पूरा जो स्वेलिंग है पूरा वो क्वार्टर स्वेल हो जाता है और इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है कि वो स्वेलिंग आगे उसके नाभि तक चली जाती है। तो इस तरह की अगर स्वेलिंग पहले मिलती है, हॉट मिलता है और फिर वो धीरे धीरे लाल से नीले के साइड में जाने लगता है, जब आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे गैंग्रीन होना शुरू हो गया है और गैंग्रीनस मास्टाइटिस हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता भी है कि गैंग्रीन एक्चुअली ये बैक्टीरिया नहीं करता है, या तो गैंग्रीन जो है वो वास्कुलर डैमेज जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं उनके द्वारा होता है इंडोटॉक्सिन के रिस्पॉन्स में, या सेकेंडरी स्टेफ ऑरियस वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगता है और वो गैंग्रीन करता है। तो स्टेफ जो होगा वो लोकलाइज फोकल इन्फ्लामेशन करता है, यानी कि पूरा का पूरा क्वार्टर आपको इन्फ्लेम नहीं दिखेगा, एक पार्टिकुलर पार्ट दिखेगा और उसका ही उसी पार्ट का गैंग्रीन होता है, लेकिन ई कोलाई पूरा का पूरा क्वार्टर को इन्फ्लेम कर देता है। और एक और पिकुलियर आपको पिक्चर इसमें देखने को फील्ड कंडीशन में मिलता है कि जब ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे मैं कह रहा था कि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है यानी कंटेजियस नहीं है, तो एक ही टीट में पॉसिबिलिटी रहती है कि एक बार में घुसे, चारों में नहीं घुसता है। तो एक ही क्वार्टर जनरली ऐसा देखने में आता है कि एक क्वार्टर सिर्फ इन्वॉल्व है और वो स्वेलिंग आगे तक गई है, उसके स्वेलिंग से दूसरे क्वार्टर में भी स्वेलिंग आ सकती है लेकिन दूसरे क्वार्टर के मिल्क में कोई डिफरेंस नहीं आता है और ना ही उसमें हॉटनेस रहती है। तो ये फिर अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ पे इकोलाई मस्टाइटिस सस्पेक्ट करना चाहिए, जबकि स्टेफ ऑरियस मस्टाइटिस रहेगा तो कंटेजियस है, एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में भी जाता है कंटेक्ट के द्वारा और जो मिल्किंग करते हैं उस समय भी वो ट्रांसमिट होता है, जबकि इकोलाई ऐसा नहीं होता है, वो ट्रांसमिट नहीं होता है। दूसरा, जब इकोलाई मल्टीप्लाई करता है तो इम्यून सिस्टम फिर उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू करता है, विद इन 48 आवर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको थेरापी अप्रोच लेना है तो बैक्टीरिया को टारगेट करना है कि टॉक्सीमिया को टारगेट करना है। तो अगर अर्ली स्टेज में आपके पास केस आया है तो उस समय बैक्टीरिया को टारगेट करना होता है, उसको किल करना होता है और उसके फर्दर प्रोलिफरेशन को रोकना होता है, लेकिन जब इंडोटॉक्सिमिक एनिमल हो गया है तो आपको इंडोटॉक्सिमिया के लिए जो उसके साइंस हैं सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करना होता है। तो अगर आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि इकोलाई मास्टाइटिस है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इकोलाई मास्टाइटिस में जो टिपिकल प्रेजेंटेशन मिल्क का आता है वो भी अलग होता है। जैसे स्टेफ ऑरियस रहेगा तो वो टिश्यू में मल्टीप्लाई करता है तो मिल्क बनाने वाली ग्रंथियों को डैमेज कर देता है, तो बिल्कुल मिल्क की क्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, जबकि ई कोलाई मास्टाइटिस में आप देखेंगे कि मिल्क ग्लैंड डैमेज नहीं होता है, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। तो मिल्क का जो क्वालिटी है इनिशियली नॉर्मल रहता है और उसमें जो फ्लेक्स आते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे आते हैं, हो सकता है कि उसमें फाइब्रिन बने और फिर से वो ब्लॉक कर दें, लेकिन फ्लैक्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। फिर वो मिल्क जो है कुछ दिन देर के बाद वाटरी हो सकता है और या उसमें सिर्फ ब्लड आने लग जाता है, रेड कलर का ब्लड आने लगता है, सीरोसैंग्विनस फ्लूइड आने लगता है, तो और स्वेलिंग काफ़ी रहती है। तो ये फिर आपको डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है कि ये जो है ई कोलाई मास्टाइटिस है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं और अर्ली स्टेज में है तो आपको मैं कहूँगा कि आपको स्टेज टू जिसे कहते हैं इंडोडॉक्सीमिया का,
उसमें उसे ना जाने दें। सिस्टेमिक साइंस के बाद हाइपोथर्मिया वाले स्टेज में, एक्सटर्नल लिंगमेंसी वाले स्टेज में उसे नहीं जाने देना होता है। तो यहाँ पे अब आपको इलाज क्या करना है। तो अगर इलाज की बात करें तो अर्लीस्ट अगर आपने एंटीबायोटिक की बात करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है तो उसको आपको डाउन करना है, उसको सप्रेस करना है, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देना है। तो एंटीबायोटिक अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जैसे मैं बता रहा था कि ई कोलाई बैक्टीरिया 2 दिन के अंदर 48 आवर्स के अंदर ही वहाँ से फिनिश हो जाता है, बैक्टीरिया वहाँ से आइसोलेट भी नहीं होता है। तो अर्ली स्टेज में आप एंटीबायोटिक यूज़ करना चाहते हैं तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक काम करते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस अगर ई कोलाई के लिए कहा जाए तो सिप्टियोफर है। लेकिन सिप्टियोफर के साथ समस्या क्या है कि आप वो इंट्रामस्कुलर लगाते हैं यानी सिस्टेमिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको करते हैं तो जो मिल्क अडर बैरियर है, मिल्क ब्लड बैरियर है, उसको वो पास ही नहीं करता, यानी कि अडर में आता ही नहीं है। तो जब अडर में आएगा नहीं तो अडर वाले बैक्टीरिया को वो ट्रीट नहीं कर सकता है अगर आप इंट्रामस्कुलर लगाएंगे तो, वो वहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन एक कंसेप्ट ये है कि जब अडर डैमेज होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, तो उस समय बैक्टीरिया एसेस करके सेप्टिसीमिया इंड्यूस करता है, ब्लड में भी आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न बहुत ज़रूरी है। सिप्टियोफर के इंट्रा मेमोरी इन्फ्यूज़न आते भी हैं, उसको आप इंट्रा मेमोरी 2 से 3 दिन तक लगातार लगा सकते हैं। या बेहतर है कि ऐसा एंटीबायोटिक सेलेक्ट करें जो सिस्टेमिक भी काम करता हो और मिल्क में भी आता हो और ई कोलाई पे भी काम करता हो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पे भी काम करता हो। तो ऐसा एक एंटीबायोटिक अभी है मार्केट में जिसे सेफ्कोनॉम कहते हैं। इसको आप इंट्रा मेमोरी और साथ ही साथ सिस्टेमिक दोनों रूट से यूज़ करेंगे तो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन रुक जाएगा और वहाँ पे जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहेंगे। तो ये तो हो गया कि बैक्टीरिया को कैसे मारना है, कौन से एंटीबायोटिक यूज़ करने हैं, बट कब यूज़ करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देख, मैं कह रहा हूँ कि एंटीबायोटिक आपको देना है, जैसे आप एंटीबायोटिक देंगे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया है, मिल्क में भी और सर्कुलेशन में बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे। बैक्टीरिया जब मरेगा तो उसका सेल वाल तो वही रहेगा, और सेल वाल जब रहेगा तो वही तो LPS है, उसी के चलते तो सिस्टेमिक साइंस आ रहे हैं, यानी कि इंडोटॉक्सिमिया और भी बढ़ सकती है, थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है। तो इसलिए पहले एंटीबायोटिक आपको यूज़ नहीं करना है। इससे बेहतर ये है कि पहले आप इंडोटॉक्सिमिया को कंट्रोल कीजिए, उसके बाद एंटीबायोटिक दीजिए। यानी कि मैं, मुझे अगर कोई अप्रोच करना है तो पहला इंजेक्शन मैं एंटीबायोटिक का नहीं लगाऊंगा, पहले मैं इंडोटॉक्सिमिया को, इंडोटॉक्सिमिक इफेक्ट को कंट्रोल करने वाले या उसको सब्साइड करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। तो इंडोटॉक्सिमिया को अगर आपको कंट्रोल करना है तो बेहतर अगर नेसाइड कहें तो अच्छा होता है। नेसाइड्स में आप फ्लुनिक्सिन मेग्लुमिन को हाई डोज में 2.2 mg पर केजुअल वेट के हिसाब से इंट्रावेनसली देंगे तो वहाँ पे लाभ मिलता है। वो इंडोटॉक्सिमिया को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इन्फ्लामेशन को भी करता है। कभी कभी नेसाइड्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा सिस्टेमिक साइंस आ रहे हैं और उसका ब्लड प्रेशर एनिमल का जब डाउन हो जाता है, जब हाइपोडायनेमिक फेज में रहता है, उस समय एनिमल शॉक में जा सकता है, तो शॉक से बचाने के लिए आपको स्टेरॉयड यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे स्टेरॉयड का यूज़ जुडिशियल है और मैंडेटरी है अगर एक्सटर्नल रिकमेंसी में है, बट मल्टीपल शॉट्स आपको नहीं देने हैं। अगर आप इंडोटॉक्सिमिक शॉक को मेंटेन करने चाहते हैं, उससे रिकवर एनिमल को कराना चाहते हैं, तो स्टेरॉयड का डोज हाई होता है। हर जगह स्टेरॉयड का फिजियोलॉजिकल डोज पे अगर आप स्टेरॉयड यहाँ यूज करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करेंगे, तो वो काम यहाँ नहीं करने वाले हैं शॉक के लिए और उसके सिस्टेमिक साइंस को इम्प्रूव करने के लिए और इंडोटॉक्सिमिया से उसे राइड ऑफ करने के लिए। तो वहाँ पे आपको मिनिमम 0.5 mg से लेकर के 1 mg पर के वेट के हिसाब से सिंगल शॉट, मैं कहता हूँ कि डेक्सामेथासोन लगाना चाहिए। तो सिंगल शॉट आप डेक्सामेथासोन 1 mg तक लगाएं, तब जाके आपका इंडोटॉक्सिमिया से उसे राइड ऑफ होगा। दूसरा और सिस्टम प्रॉब्लम जो इंडोटॉक्सिमिया में आता है, उसको भी आपको कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जब इंडोटॉक्सिमिया के सेकेंड फेज में एनिमल रहता है तो वो उस स्टेज में हाइपोग्लाइसीमिक रहता है। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया है एनिमल में तो वहाँ पे आपको यहाँ पे हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन देना होता है, लेकिन 500 ml 25% डेक्सट्रोज 500 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। बेहतर ये होगा
कि आप डेक्सट्रोज अगर लगा रहे हैं तो साथ में इंसुलिन लगाएं। और इंसुलिन के साथ साथ आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा, पोटेशियम का, क्योंकि जब भी आप डेक्सट्रोज लगाएंगे तो हाइपोकैलेमिया होता है। तो ओरल आप अगर एनिमल ओरली ले रहा है तो वहाँ पे पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी करेंगे तो वो शॉक से रिकवर होगा, इंडोटॉक्सीमिया से रिकवर होगा और फिर वो एनिमल खड़ा होने के लायक हो सकता है। तो इस तरह से आपको अप्रोच डिफरेंटली लेना पड़ेगा। अब आते हैं अडर पे, कि अडर पे क्या करना है अगर वहाँ पे गैंग्रीन बन गया है। होता क्या है कि जब गैंग्रीनस हो जाएगा तो आपका एंटीबायोटिक भी वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि जब ठंडा हो गया है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाई नहीं है, अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो पारेंट्रल के साथ साथ आपको गैंग्रीन जब बन गया है इंट्रा मेमरी भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ई कोलाई का जो बेस्ट थेरापेटिक अप्रोच प्रोटोकॉल माना जाता है उसमें, जैसे हम अभी तक तो बता रहे थे कि आप इसको डाउन कर दीजिए, इसको चेक कर दीजिए, बेहतर है कि वहाँ से टॉक्सिन को ही हटा दिया जाए। तो टॉक्सिन यानी कि जो इंडोटॉक्सिन है उसको आप फ्लस आउट करना चाहते हैं तो बेस्ट वे है कि मल्टीपल मिल्किंग कीजिए। तो ई कोलाई मस्टाइटिस के ट्रीटमेंट का बेस्ट अप्रोच ये होता है कि उसको ऑक्सीटोसिन लगा के दिन में 7 से 8 बार उसको ड्रेन आउट करना होता है, उस टीट को साफ करना होता है। कभी कभी हम लोग उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के भी साफ करते हैं अगर उससे मिलके फ्लैक्स आ रहे हैं और ब्लॉक हो गया। तो मल्टीपल मिल्किंग उस क्वार्टर का बहुत तेजी के साथ हेल्प करेगा कि वो एनिमल जो है जल्दी से रिकवरी होगा, क्योंकि वहाँ टॉक्सिन ही नहीं रहेगा तो एब्जॉर्व नहीं होगा, फिर आपको उस टॉक्सिन को काउंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और एनिमल में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब गैंग्रीन हो गया है तो गैंग्रीन जब इन्फ्लामेशन होगा तो आप देखेंगे जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो मेनली साइटोकाइंस के रिलीज के चलते सारे सिस्टेमिक साइंस मोस्ट ऑफ द लाते हैं। तो इसमें भी अगर आप साइटोकाइन में देखेंगे तो TNF अल्फा जो है वो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होता है और TNF अल्फा मेजर सिम्टम्स लाता है। तो आप चाहें तो TNF अल्फा ब्लॉकर्स भी यूज कर सकते हैं, हालांकि इस पर कोई रिसर्च नहीं है, आप अपना एक्सपीरियंस यूज कर सकते हैं। मैं TNF अल्फा ब्लॉकर के लिए पेंटोक्सीफेलिन वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ है, मुझे लगता है कि अगर गैंग्रीन हो रहा है या ब्लड सप्लाई कम है तो अडर के ऊपर क्या लगाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो अडर के ऊपर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हीपेरिन के जो आइंटमेंट आते हैं वो लगाएंगे तो वहाँ ब्लड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हीपेरिन ऑइंटमेंट लगाने से उसमें जल्दी राहत मिलती है। अडर के ऊपर कभी भी क्या नहीं करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग देखते हैं कि गैंग्रीन हो रहा है फिर उस पर बर्फ लगाने रहे, बर्फ लगाएंगे तो और वासो कंस्ट्रिक्शन होगा और उस एरिया को ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और एनिमल में जल्दी से गैंग्रीन डेवलप होगा। तो कभी भी बर्फ आपको अडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अब आते हैं कि मैं जैसे कह रहा था कि इम्यूनिटी को इन्हांस करें तो कई सारी चीज़ें हैं जो हर्बल होती हैं वो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो जैसे हल्दी है, हल्दी भी आप अपनी गाय को खिला सकते हैं, हल्दी का लेप भी लगा सकते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो ई कोलाई मास्टाइटिस में काफ़ी मददगार होता है। इसी तरह से और भी हर्बल प्रोडक्ट्स आते हैं जिनका इस्तेमाल घरेलू तरह से जो इम्यूनिटी को इन्हांस करने वाले होते हैं उनको आप एड ऑन कर देंगे तो फिर वहाँ पे रिकवरी होने लग जाती है। अब आपका एनिमल शॉक में है तो एक तो आपने डेक्सामेथासोन लगा दिया, दूसरा वहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन को चेकआउट, यानी कि डिहाइड्रेशन ही नहीं होता है, एक तरह से आप कह लीजिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है और हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है तो उसको भी आपको चेक करना होता है, यानी कि फ्लूइड थेरापी करनी होती है। तो आप मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं लेकिन लार्ज एनिमल में कितना आप फ्लूइड चढ़ाएंगे और किस स्पीड से चढ़ाएंगे ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर एनिमल कोई शॉक में है तो यहाँ पर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन चढ़ाएँ। हाइपरटोनिक सोल्यूशन चढ़ाने में फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन चढ़ाते हैं सलाइन का, वो इमिडिएटली थर्स सेंटर को एक्टिवेट करता है और फिर 30 से 40 लीटर एनिमल जो है वो पानी पी लेता है तो फिर उसका हाइड्रेशन स्टेटस आ जाता है। तो इसमें जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन आते हैं नॉर्मल सलाइन के 7.5% वाले जो सोल्यूशन है उसका डोज बड़ा इंपॉर्टेंट है और ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है।
तो अगर 400 किलो की गाय है तो जनरल जो रिकमेंडेड डोज है वो 4 to 5 ml पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि करें 1600 ml से लेकर के 2 liters तक आप हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन चढ़ा सकते हैं, और विद इन ये 4 to 5 minutes में चढ़ाना होता है। इससे डिले करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं आएगा, इससे फास्ट करेंगे तो फिर कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो 4 से 5 minutes के अंदर 4 से 5 ml पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से हाइपरटोनिक सलाइन सोल्यूशन चढ़ाएं, और इमिडिएटली उसको वाटर के लिए असेस कराएं, यानी उसे प्यास लगेगा उसे पानी पिलाएं। अगर वो पानी पीने की कंडीशन में नहीं है तो वहाँ पे आपको गैस्ट्रिक ट्यूब डाल करके उसके पेट के अंदर, उसके रूमन के अंदर 30 से 40 लीटर लुकवॉर्म वाटर डालना चाहिए, फिर वो अपने नॉर्मल हाइड्रेशन स्टेशन में आ जाती है। इंडोटॉक्सिमिक शॉक और बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए आप प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हेटा स्टार्च के रूप में है, आजकल मार्केट में अवेलेबल है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर बेट प्लाज्मा के नाम से इंडिया में आता है। ये प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर उसमें बहुत मददगार होता है और एनिमल को फास्ट रिकवर होने में मदद करता है। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर का भी रिकमेंडेड डोज पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना कुछ करके आप मस्टाइटिस वाले गाय के जान बचाने के लगभग पास होते हैं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसके साथ साथ आपके अपने जो एक्सपीरियंस हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को इकोलाइ मस्टाइटिस को समझने में, उसके इलाज को बेहतर करने में, और ज़्यादातर जो क्रिटिकल केसेस हैं गायों की, भैंसों की, पशुओं की जान बचाने में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।